को ये भी आश्चर्य हो रहा है कि आजकल अपना महमूद अली साहब टीआरएस के डिप्टी सीएम की और होम मिनिस्टर, वो सब अभी तक एक बार भी आवाज नहीं उठा करे उनके मौत के बारे में। तो क्या सोचना है इस तेलंगाना के सरकार के बारे में? हमको इफ्तार के आने वाले रमजान में हमको इफ्तार के जरूरत नहीं, हमको इंसाफ के जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम समाज के खिलाफ बहुत जुर्म है। हमको इंसाफ की जरूरत है, इफ्तार की जरूरत नहीं, टेरिकॉटन कपड़ों की जरूरत नहीं, हमको इंसाफ की जरूरत है। अभी तक 3 लाख करोड़ का बजट अपने देश के असेंबली में, और 3 लाख करोड़ में मुस्लिम समाज को सिर्फ आप 2200 के ये दिया, तो ये परसेंट से भी कम है। मैं सारे पार्टी जो मुस्लिम का हिफाजत करने का वो दावा कर रहे, वो पार्टी से मैं ये सवाल पूछना था, आप लोग क्यों चुप है, तो क्यों आप इसके बारे में आवाज नहीं उठा रहे? लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये पूछ रहे, 3 लाख करोड़ का बजट में ये मुस्लिम का पॉपुलेशन 10% है, 10% पे तो कम से कम 30,000 करोड़ तो आना चाहिए, फिर अभी तक 30,000 करोड़ का एक पैसा भी नहीं दिया। तो माइनॉरिटी में मौजूद और इमाम लोगों को सिर्फ 5,000 रुपया दे रहे, एक एक को 5,000 रुपये, तो ये भीख मांग थोड़ी है, ये भीख डाल रहे क्या आप लोग? तो सरकार से क्यों लड़ाई नहीं कर रहे? जो पार्टी सब हम मुस्लिम की हिफाजत देश में आ रहे करके जो बोल रहे, क्यों आप लोग आवाज नहीं उठा रहे? कदीर खान के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठा रहे? इसीलिए बहुजन समाज पार्टी, आज मैं बोल रहा हूँ, यही आलमपुर के आबादी से बोल रहा हूँ मैं, बहुजन समाज पार्टी ये चीज के लिए लड़ाई करेंगे। वक्फ बोर्ड में 10 लाख करोड़ का प्रॉपर्टीज है, वो 10 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी से जो वित्तीय आता है, जो इनकम आती है, वो इनकम से तेलंगाना में जितने भी पूर गरीब मुस्लिम्स है वो सब लोगों का हिफाजत कर सकते हैं, वो सब लोगों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन टीआरएस बीजेपी तो बिल्कुल वो साफ बोल रही है, बीजेपी हम तो बुलडोजर लेके तेलंगाना में साफ करेंगे करके बीजेपी बोल रहे हैं, मगर वो बीआरएस जो है, बीआरएस चुप बैठी है। कांग्रेस तो पूरा वोटों का तलाश में है, मुस्लिम समाज को वो पूरा ऑलरेडी दबा दिया, तो फिर एक बार चीट करने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है, और बीजेपी तो बुलडोजर लेके आता हूं करके पंडित सर जैसा बोल रहे हैं। तो आप लोग आज मुस्लिम समाज सोचना चाहिए कि आप लोग किस तरफ, आप लोग क्यों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, आप लोग जान से देखिए, आप लोग हकीकत देखिए, और कृपया बहुजन समाज पार्टी की तरफ आप लोग आगे बढ़िए, और आप बहुजन समाज पार्टी का साथदारी दीजिए, हम सब मिलके ये देश का जितना तेजीब है वो तेजीब को हम हिफाजत करेंगे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि मेरे साथ आलमपुर के आबादी में साथ हमारा स्टेट मुस्लिम माइनॉरिटी का कोऑर्डिनेटर मौलाना शफी मसूदी और को कोऑर्डिनेटर अबरार हुसैन आजाद मौजूद है। तो हम आलमपुर के आवाम को हम ये गुजारिश करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी रफ्तार से लोगों के दिलों में जा रही है, और इंसाफ के लिए जो मुस्लिम आवाम का खिलाफ जो अन्याय हुआ, जुर्म हुआ, उसके खिलाफ बहुत बड़ा जंग कर रही है बहुजन समाज पार्टी, न केवल आलमपुर के आलमपुर में नहीं, पूरे देश में जो दबे हुए समाज के हिफाजत के लिए बहुजन समाज पार्टी बहुत लड़ाई और जंग कर रहे हैं। तो हम आने वाले दिनों में मुस्लिम कौम का, मुस्लिम कौम को भी अपने आबादी के मुताबिक हम आने वाले चुनाव में टिकट भी देंगे, तो जितना परसेंटेज है उतना परसेंटेज टिकट भी देंगे, और यहाँ के मुसलमानों को भी बहुत सारे समस्या है, वो समस्या के बारे में भी हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और लड़ाई भी करेंगे। और हम पिछले दो हफ्ते से हम आवाज़ उठा रहे हैं और जंग भी कर रहे हैं कि मेदक जिले में खदीर खान करके एक मामूली मौज भेजने वाले नौजवान को पुलिस वाले उठा के उसको मेदक पुलिस स्टेशन में पूरा चप्पल और पूरा लकड़ी लेके मारे, उसके वजह से उसका मौत हो गया गांधी हॉस्पिटल में। मगर अभी तक पुलिस वालों के खिलाफ 302 का मुकदमा शुरू नहीं किए, और उसका फैमिली को कंपनसेशन भी नहीं दिए, उसका फैमिली को भी मैं मिला हूँ और उसका बच्चों को भी मैं मिला हूँ। बहुत दुखद और गंभीर स्थिति है फैमिली का, उसको कोई देखभाल नहीं कर रहे हो। कादिर खान बहुत गरीब खानदान से आता है, मगर कोई पार्टी उसका आवाज़ नहीं उठा रहे,
और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन आज़ादुल भाई साहब से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग आपका पार्टी के तरफ से खदीर खान को थोड़ा एहसान करने करके आपका मैं अखबार में पढ़ा था, मगर हम आपसे ये उम्मीद नहीं था, हम आपसे एक्चुअली हम ये मांग रहे थे कि आप लोग सोच रहे थे कि आप लोग सरकार के खिलाफ लड़ाई करके खदीर खान का फैमिली को एक तगड़ा कम्पनसेशन, शायद 1 करोड़ का कम्पनसेशन, और पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा 302 का मुकदमा जारी करना करके आप लोग डिमांड करते करके सोच रहे थे, लेकिन आपने सिर्फ उसके क्या बोलते हैं इंस्टेंट आपने क्या किया, अपने सरकार से गुजारिश कर रहे, तो हम गुजारिश करने से सरकार थोड़ी